तो वो सिर्फ वॉट इज अप गाइज, आफ्टर सो लॉन्ग वी आर बैक एंड आज हम लोग जाने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में देख ही लिया होगा हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। तो हम लोग जाने वाले हैं सोमनाथ। तो उसके लिए अभी हम लोग यहाँ से पहले जाएंगे थाने, फिर थाने से निकलेंगे बोरीवली के लिए। तो आपको मिलते हैं अब उधर ही, सीधा बातचीत बाद में, सीधा घूमने चलते हैं। बातचीत नहीं करने का, सीधा घूमने का, और सब आपको सब घूमने का दिखाऊंगा मैं। ट्रेन के लिए निकल रहे हैं अभी हम लोग यहाँ से, अभी ओला मारा है हमने, उबर मारा एक्चुअली। अब यहाँ से सीधा बोरीवली स्टेशन जाएंगे, फिर वहाँ से हमारी ट्रेन है रात की 12 बजे की। तो मिलते हैं गाइस सीधा ट्रेन में। फाइनली ऑन द स्टेशन एंड वी आर हेडिंग बैक टू द प्लेटफॉर्म। तो हम लोग का कौन से प्लेटफॉर्म पे है भैया? मिल गया मेरे को मेरा भैया चाचा, किधर पे हैं? ओके, तो हम लोग जा रहे हैं अब हमारे प्लेटफॉर्म पे। अभी हमारी ट्रेन तो वैसे बहुत लेट है, बट फिर भी ठीक है, बैठेंगे थोड़ा स्टेशन पे घूमेंगे। और आपको इस व्लॉग, अभी मेरा ये प्लान है कि व्लॉग में ज़्यादा बातचीत ना हो और जितना कुछ आपको दिखा पाए वो दिखाएंगे, ठीक है? तो गाइस हम लोग बोरीवली स्टेशन पे पहुँचे हुए हैं और बज रहे फ़िलहाल रात के 11 और हमारी ट्रेन है 12:20 की। तो इंतज़ार चल रहा है ट्रेन पे, ट्रेन के लिए, और प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे खड़े हैं। लेकिन अभी अभी जस्ट अनाउंसमेंट आया है कि प्लेटफॉर्म नंबर 8 नहीं, 6 पे आएगी। देखते हैं कि सारी ट्रेन को डाइवर्ट किया है या सिंगल ट्रेन को, लेट्स सी। तो चलो मैं थोड़ा इधर बैठ के कुछ पी लेता हूँ और आपको मिलता हूँ सीधा ट्रेन में। हम अहमदाबाद से निकल गए थे और जा रहे हैं दूसरी ट्रेन पकड़ के जा रहे हैं सोमनाथ। हमारी जो एक ट्रेन थी वो बांद्रा से अंबर ये थी अहमदाबाद, एंड अभी अहमदाबाद से सोमनाथ की अलग ट्रेन है जो कि 8 o'clock को ही थी। सबने ट्रेन पकड़ ली है और इसमें मचाएंगे, फिर आपको मिलेंगे सीधा सोमनाथ में।
बहुत मेहनत क्या होता है वो, बहुत मेहनत के बाद हम लोग फाइनली मशक्कत के बाद जैसे कि अहमदाबाद में चेंज करके, उसके बाद वहाँ से ट्रेन चेंज करके, उसके बाद ये ट्रेन चेंज करके यहाँ पे हम लोग अभी सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है सोमनाथ से। तो अभी टाइम क्या हो रहा है, 5:30 हो रहा है। तो अब यहाँ से हम लोग एक्चुअली यहाँ से सोमनाथ उतरेंगे एंड होटल लेंगे, नहाएंगे धोएंगे, फिर दर्शन को चले जाएंगे एंड देन फिर दर्शन करके वहाँ से हम लोग जाएंगे द्वारका बस पकड़ के। तो ऐसे क्लिप देख के इंजॉय करते रहो, बीच बीच में मैं बोलने आ जाऊँगा कभी कभी। सो गाइस वी आर फाइनली हियर, लेट्स गो। यहाँ का आपको वातावरण दिखाता हूँ, यहाँ का वातावरण देखो, वातावरण इज वेरी 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 कूल एंड प्लेजेंट। अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं और थोड़ा होटल विटल का ढूंढते हैं। देखो ये लास्ट स्टेशन है गुजरात का। बादल देखो क्या बढ़िया दिख रहे हैं, एकदम गॉड जैसे। यहाँ पे बहुत सारे आगे ओयोस है, यहाँ पे 2-3 रेस्टोरेंट्स है। ये यहाँ का मेन रोड है, अगर आपको बाय रूट कार आना है तो यहाँ से आ सकते हो आप। बाकी तो अभी आगे देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं हम। अभी तो वैसे तो नहा धो के ये करने जाएंगे हम लोग, नहा धो के दर्शन करेंगे, उसके बाद द्वारका जाने का प्लान है रात को 11 बजे। अभी पता नहीं ट्रेन से ही जाना है कि बाय बस जाएंगे, देखते हैं जैसा होगा वैसे आपको बताया जाएगा, आपको एकदम अपडेट रखा जाएगा। चलो मिलते हैं आपको, थोड़े क्लिप्स दिखा देता हूँ तब तक। तो गाइस ये हमारी ट्रेन है जिससे हम आए हैं, और वो ऊपर इंडिया का फ्लैग है, बहुत सुंदर सा और बहुत बड़ा सा, और उसी के जिस बाजू में आई थिंक ये स्टेशन एंड हो जाता है और वहाँ से सोमनाथ के लिए हम लोग एग्जिट करते हैं, सोमनाथ स्टेशन रेलवे स्टेशन के लिए एग्जिट करते हैं। तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं, वहाँ से हम शायद ऑटो वीटो पकड़ेंगे एंड कुछ लेंगे या इधर ही कुछ करेंगे, क्या पता, देखते हैं क्या होता है। तब तक इधर भाग रहा है। ये देखो ये बहुत बड़ा सा फ्लैग, देखो ये जो है ये आपको इसमें क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं फ़ोन से एक बार निकाल के आपको दिखाता हूँ। रुको क्विक अपडेट। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सीन क्या है। तो हम लोग आप पीछे देख सकते हो कि ये टेंपल है, एंड अभी सीन क्या था कि हम लोग को फ़ोन अंदर अलाउड नहीं था, तो हमको मेरा हमारा फ़ोन कैमरा सब कुछ अंदर रख के जाना पड़ा था, ठीक है। तो सीन क्या हो गया कि अब हमको रिटर्न आना पड़ा, सारा सामान लेके रिटर्न यहाँ पे आके शूट करना पड़ रहा है, और अभी तो फ़िलहाल लाइट सारे बंद कर दिए होने वाला है क्योंकि लेट हो गया है। तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं कि शिवलिंग जी का ये पूजा हो रहा है, पूजा नहीं एक्चुअली वो नहलाए जा रहे हैं। तो ये देखो क्या क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट इस
टीवी में दिखा रहे हैं। एंड ये जो है दिख रहा आपको, ये एंट्रेंस है, यहाँ से फिर ऐसे अंदर जाते हैं, फिर ऐसे पीछे बहुत अच्छा सा ऐसे इसके पीछे दिख रहा है। बट सीन क्या है कि इसके लाइट के कारण वो अभी फ़िलहाल विजिबल नहीं है। और ये एक मेन गेट है, ये एक मेन गेट है। बट फिलहाल वहाँ से घूम के जाना पड़ता है, ऐसा पूरा घूम के ऐसे रिटर्न आना पड़ता है। वो एक वहाँ पे एक वो है, ये यहाँ पे सामने एक सरदार वल्लभ भाई पटेल का पटेल जी का स्मारक है, क्योंकि उन्होंने बहुत हेल्प ये किया था इसको रीजनरेट करने के लिए, मतलब जो टूट फूट गया था उसका। तो अभी हम लोग फिलहाल यहाँ से, अभी हमारा ये प्लान है कि द्वारका जाना है, तो अब यहाँ से हम चलते हैं हमारे रूम की तरफ, और फिर वहाँ से हम लोग अपना बैग ये सब लेके, और फिर वहाँ पे से हम जाएंगे खाना खाने को। एंड खाना खाने के बाद शायद हमारी ट्रेन है, तो फिर वहाँ से ट्रेन से हम जाएंगे आगे की तरफ। तो चलो मिलते हैं आगे की जर्नी पर।